सरकार से तो हम यही मांग करते हैं कि हमारे गुरुजी को जितना जल्दी हो सके हमारे बीच में आएं, और पहले जो काम चलते थे उससे भी आगे बहुत बढ़िया काम चलेगा और हमारा देश तरक्की करेगा एक नंबर। झूठा है जी, हमारे को विश्वास पूरा है जी, हमारा सब कुछ गुरुजी है, जो भी हमारा काम है गुरुजी करते हैं, हमारे पर विश्वास है, पहले से भी ज़्यादा विश्वास है। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह इंसा। जसवीर सिंह इंसा जी, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा को जानते हो? हमने 86 में नाम दिया था जी। आज भी जाते हो? बहुत जी, पहले से भी ज़्यादा। क्यों क्यों जाते हो? हमारे को शिक्षा वहाँ पर ऐसी मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा भी जो भी काम है, जैसे 134 वर्ल्ड कम अपने किए हैं, कोई और आदमी एक भी दिखा दे भी उसने ये किया है तो हम मान जाएंगे। 134 बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम मानते हैं। किस तरीके के काम कर रहे हैं सर गुरुजी? समाज गुरुजी वैश्यों की शादी करवा रहे हैं, जो गरीब है उनको मकान कपड़ा बना कर दे रहे हैं, और जितने भी 134 काम है जी, इसमें नशा छड़ाना सारे इसमें आते हैं जी, वो सारे काम कर रहे हैं जी। देश की तरक्की के लिए योगदान है सर गुरु जी का? बहुत तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा जो योगदान है जी। अगर अच्छा काम करेंगे तो देश तरक्की करेगा जी, अगर ना अच्छा करेंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा? ये तो हमारा कानून का मुझे तो समझ नहीं आ रही, क्या कानून है हमारे देश में? हमारे गुरु जी को ऐसे अंदर डाल दियो, कोई इस पर केस नहीं बनता, कोई कुछ नहीं बनता। हमारे को हमारे गुरु पर तो इतना विश्वास है, बहुत ज़्यादा विश्वास। आप क्यों विश्वास करते हो? हमारा कोई भी काम, हम जो भी काम हम मतलब जैसे हम मतलब मन में कर लेते हैं वो काम अपने आप ही हो जाता है। गुरु जी के ऊपर तो सर और भी बहुत आरोप लगाए जा रहे हैं। वो सब गलत है जी, वो सारा पैसे का मामला है जी, मीडिया बिका हुआ है, कुछ ही करवा दो। मीडिया ने बहुत 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 खबरें दिखाई। हाँ जी, तो फिर उनको तो जो है ना उनका जो पैसा बनता है वो तो करेगा जी, लेकिन ये है बिल्कुल गलत। ऐसा क्यों लगता है सर भी आप गुरु जी को ऐसे झूठा फंसाया जा रहा है? झूठा है जी, हमारे को विश्वास पूरा है जी, हमारा सब कुछ गुरुजी है, जो भी हमारा काम है गुरुजी करते हैं, हमारे पर विश्वास है, पहले से भी ज़्यादा विश्वास है। गुरुजी को क्यों फंसाएंगे सर? जो जैसे शराब धंधा या जो भी है, फीम माफिया या जो भी है, उनकी जो दुकानें सब बंद हो रही हैं, और उसी वजह से वो गलत इल्ज़ाम लगा के गुरुजी को फंसा रहे हैं। लेकिन उनकी जो भी ये चाल वो कामयाब नहीं होगी, एक दिन गुरुजी हमारे बीच में होंगे और सारी दुनिया को पता लग जाएगा उस चीज़ का। 3 साल से ऊपर हो गया सर जी, अब नहीं है समाज के अंदर वो उस तरीके से नहीं है जैसे पहले। हाँ जी हाँ जी, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, देखो पंजाब ने देखो क्या हो रहा है जी, छोटी छोटी लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, कितना नशा बढ़ गया। गुरु जी होते तो ये नहीं होना। जरूरत है सर समाज, बहुत ज़्यादा जरूरत है जी, जब तक गुरु जी नहीं आएंगे ये हमारा देश नहीं सुधरेगा। स्वभाव कैसा लगता है आपको गुरु जी का? बहुत बढ़िया जी स्वभाव, तो जैसे माता पिता का हमारा होता है वैसे ही है। आश्रम में कितनी के बाद गए सर आप? हम तो जाते रहते हैं, आज भी गए थे। बेटियां भी सर जाती हैं? हाँ जाती हैं सर। फिर बेटियों को लेकर आश्रम में कैसी सुरक्षा रहती है? बहुत बढ़िया सुरक्षा, और कहीं नहीं जो जहाँ सुरक्षा, और कहीं नहीं जी ये सुरक्षा जो जहाँ दरबार में। लोगों को क्या बताओगे सर, क्योंकि लोगों ने जितना भी कुछ जाना है गुरु जी या डेरे के बारे में वो मीडिया के द्वारा जाना है। मीडिया तो झूठा ना जी, मीडिया जो बात मीडिया ने कहती वो सच्चाई थोड़ा है। अगर कोई आदमी वहाँ गया ही नहीं और मीडिया की बात सुन लीजिए, अगर वहाँ जाके देखो ना, पता तो फिर चलेगा ना। क्या मांग करोगे आप सर सरकार से? सरकार से तो हम यही मांग करते हैं कि हमारे गुरु जी को जितना जल्दी हो सके हमारे बीच में आएं, और पहले जो काम चलते थे उससे भी आगे बहुत बढ़िया काम चलेगा और हमारा देश तरक्की करेगा एक नंबर। बहुत फायदा। हाँ जी, ठीक है।